नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और जनमंच में मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। नोटबंदी का फैसला जब से लागू हुआ है हालात में कोई खास तब्दीली नजर नहीं आ रही। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतार खुद इस बात की तस्दीक कर रही है कि नोटबंदी के बाद जो हालात पहले थे अब भी स्थिति उससे अलग नहीं है। लोग अपना काम छोड़कर बैंक और एटीएम के बाहर लाइन लगाने को मजबूर हैं। कुछ दिनों की परेशानी तो समझ में आ रही थी लेकिन 39 दिन बाद भी हालात जब नहीं बदले तो लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा। देशभर के कई इलाकों से ऐसी खबरें आने लगी कि लोगों ने बैंकों में ताला जड़ दिया, कहीं बैंक कर्मियों को बंधक बना लिया गया तो कहीं पुलिस वालों की पिटाई कर दी। ऐसे हालात बने ही क्यों? क्या फैसला लागू करने से पहले सरकार को यह सब अंदेशा नहीं था कि हालात बस के बाहर होंगे तो क्या होगा? आखिर क्या वजह है कि लोग बैंकों से अपना ही पैसा निकालने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं? मोदी झूठ बोलता है। तो नोटबंदी को लागू हुए 39 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अब भी बैंकों में कैश के लिए लगी लंबी कतारें कम होना का नाम नहीं ले रही हैं और नोटबंदी के बाद से ही बैंकों में कैश की किल्लत लगातार बनी हुई है। बीते शनिवार से लेकर सोमवार तक बैंक बंद थे और ऐसे में देश भर में लोगों की परेशानियों को का सामना लोगों को करना पड़ा और बैंकों से रुपए निकालने पहुंचे लोगों की लंबी कतार में महिलाओं की बड़ी संख्या देखी गई। बैंकों की लाइन में लगकर लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन कुछ ही लोग ही हैं जो रुपए निकाल पाए। कई एटीएम खराब हैं तो कई एटीएम बंद होने से लोग परेशान हैं। जहां कैश निकल रहा है वहां भी कुछ घंटों में एटीएम खाली हो जाता है। लोगों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। मोदी ने हालात सामान्य करने के लिए 50 दिन का वक्त मांगा था, लगभग 40 दिन अब बीत चुके हैं, 10-12 दिन और बाकी हैं लेकिन लोग अब इतने गुस्से में हैं कि 2 घंटे भी इंतजार करने को राजी नहीं है। फिर आने वाले 10 दिनों में हालात क्या होंगे इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। नवंबर को पीएम मोदी ने नोटबंदी का फैसला क्या सुनाया, मानो पूरे देश में एक कोहराम मच गया। लोग अपना काम धाम छोड़कर बस बैंक और एटीएम के बाहर कतारों में खड़े हो गए। अंदाजा लगाया जा रहा था कि कुछ दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं पाया। अब तो नोटबंदी पर लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा होगा कि कैसे कुछ महिलाएं बैंक के बाहर तैनात पुलिस वालों की चप्पलों से पिटाई कर रही हैं। दरअसल बुलंदशहर के पंजाब नेशनल बैंक के बाहर लोग पैसे निकालने के लिए घंटों लाइन में लगे रहे लेकिन कैश नहीं मिल पाया। कुछ लोग तो पिछले 3 दिन से लगातार खाली हाथ ही वापस लौट रहे थे। लाइन में लगी महिलाओं ने जब हो हल्ला शुरू किया तो पुलिस ने महिलाओं के साथ भी बदसलूकी शुरू कर दी। फिर क्या था, महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने हाथ में चप्पलें लेकर शुरू कर दी पुलिस वालों की पिटाई। पुलिस वालों ने भी महिलाओं को डराने के लिए हवा में फायरिंग की।
लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पुलिस वाले महिलाओं के हाथों पिटते रहे और पब्लिक तमाशा देखती रही। घटना के बाद मामले का संज्ञान लेते हुए आला अधिकारियों ने बैंक पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने और फायरिंग करने के मामले में एक सिपाही को निलंबित कर दिया। अभी तक प्रथम दृष्टया ये जानकारी में आया है कि लाइन लगाने के प्रश्न को लेकर भीड़ अनियंत्रित हो रही थी, उसमें जो सिपाही द्वारा भी फायरिंग की गई है, हवाई फायर किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अभी इस स्टेज पे कुछ कहना जो है जल्दबाजी होगी, इसमें जाँच कराई जाएगी, जाँच के हिसाब से या तहरीर के साथ है विधिक और विभागीय कार्रवाई दोनों कराई जाएगी। नोटबंदी के बाद से संभल जिले में हालात कुछ ऐसे ही नजर आए। गुन्नौर के बबराला पीएनबी ब्रांच में पैसा न मिलने से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। किसानों और स्थानीय लोगों ने बैंक के अंदर जमकर तोड़फोड़ की, सड़क पर आगजनी भी की। नाराज लोगों ने हाईवे पर जाम भी लगा दिया। बाद में पुलिस ने जैसे तैसे हालात को काबू में किया। मेरा खाते में गन्ने का पैसा आया या नहीं आया, उनका पैसा नहीं आया, उन्होंने अपनी पासबुक चढ़वाई तो उनके पासबुक में 1 करोड़ रुपया 2 दफे में निकला और 2 दफे में डाला गया था और उनके उनके खाते में से निकाला है। करू नाम है, रामनगर के हैं वो। मैंने अपने आंखों से देखा है उसको, पासबुक को, और कानों से सुना है। हम 8 बजे पहले, कल 6 बजे से लेकर के शाम 4:30 बजे तक लगे रहे थे लाइन में 800 लोग। किसी को एक पैसा नहीं दिया गया, सुबह ही 30 लोगों को मात्र पैसा दिया गया था। कल गाड़ी देख रहे थी, बता के गया था, उसमें से आज करीब 70-80 लोगों को पैसा दिया गया है। उसके बाद कह दिया कैश खत्म हो गया। इस बैंक में 16 लाख और 14 लाख से कभी कैश कम नहीं आता, 2-4 लाख कैश देते हैं बस केवल रोज में भी। उसके बाद मना कर देते हैं कैश नहीं है, पता नहीं वो कैश कहाँ जाता है। देश के कई शहरों में कमोबेश यही हालात नजर आ रही। लोग घंटों बैंक के बाहर कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन कैश न होने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। जबकि बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से कई बड़े लोगों के घर पर ही कैश पहुंच जाता है। ऐसे में लोगों का नाराज होना लाजमी है। आज 10 दिन से आ रहे हैं, सुबह से लाइन में लगे रहते हैं, पैसा बच्चों के फीस मांग रहे, मास्टर नहीं दे रहे हैं, क्या कहाँ से दें हम? पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं हमारे पास, खेती किसानी कैसे करेंगे? बच्चे हमारे, एक बच्ची है, हम आते हैं रोज प्रत्येक दिन जी सर। देश में नोटबंदी पर हाहाकार मचा है। सरकार के तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली पीएम का बचाव करते नजर आ रहे हैं। जेटली ने एक बार फिर से नोटबंदी को सरकार का साहसिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी बदल रही है, अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है, उभरती हुई आर्थिक शक्तियों में भारत को अलग नजरों से देखा जा रहा है। I'll refer to the present position just a moment later. And then, of course, the government took a somewhat courageous step in the direction of the high denominational currency ceasing to be a legally valid tender and went in for a large currency swap or an exchange. यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने भी नोटबंदी को लेकर पीएम पर तीखे तंज कसे। यूपी सरकार की आसरा योजना के तहत लखनऊ में जब गरीबों को घर आवंटित किए जा रहे थे, तो सीएम अखिलेश और यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने भी पीएम मोदी पर नोटबंदी को लेकर शब्दों के तीखे बाण चलाए। मोदी के सबसे बड़े विरोधी राहुल गांधी ने भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। दो साल में जितने गरीब लोग यहां बैठे हैं, जो नारा दिया था अच्छे दिन का, बताओ कोई अच्छे दिन समझ पाया हो तो बता दो, शायद आप लोग नहीं समझ पाए, हमारे पत्रकार साथी थोड़े बहुत समझ पाए हो तो वो बता दें। और हम तो मुख्यमंत्री हैं, हमारे साथ तमाम लोग मंत्री लोग हैं, हम लोग भी नहीं समझ पाए कि अच्छे दिन क्या थे।
अगर कोई परिभाषा है आपके पास अच्छे दिन की तो अब तो बता दो कम से कम, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, पता नहीं कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक कर दो आप। पहले सीमा पे सर्जिकल स्ट्राइक की, कोई नहीं जानता था शब्द को सर्जिकल स्ट्राइक को। अभी चार दिन की बात है, उसने किसी का नाम लिया, मैंने कहा थूक लीजिए मुंह पाक हो जाएगा। जवाब में उसने क्या कहा, आजम भाई मेरे थूकने नहीं थूकने से क्या होता है, पूरा देश थूक रहा है, लोगों को समझना चाहिए सच्चाइयों को, अपने गरेबान में मुंह डालकर देखना चाहिए। हिंदुस्तान के चोर बैंक से पैसा निकाल रहे हैं और हिंदुस्तान का ईमानदार आदमी, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का छोटा दुकानदार, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास के लोग लाइन में खड़े हुए हैं और आपने इनको लाइन में खड़ा किया है। हिंदुस्तान की जनता ने सवाल पूछना शुरू किया, मुझसे पूछा राहुल जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए मिलेंगे, हमें तो 1 रुपया नहीं मिला। नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, झूठ बोलता है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने हमें झूठ बोला, हमें भरोसा दिलाया कि मैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, मगर नहीं लड़ी। नोटबंदी के फैसले से देश को फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, देश की ज्यादातर जनता भी पीएम के फैसले का समर्थन कर रही है। लेकिन जनता में गुस्सा इस वजह से कि अगर ऐसा फैसला लागू ही करना था तो तैयारियां भी इतने बड़े पैमाने पर होनी चाहिए थी। लोग इसलिए भी सरकार से खफा है कि लाइन में लगने के बाद उन्हें पैसे नहीं मिल पा रहे, जबकि बैंकों की मिली भगत से लोग लाखों और करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। ऐसे में पब्लिक का गुस्सा भी जायज है। अब अगर सरकार ने नोटबंदी पर सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई नहीं की तो हालात बेकाबू होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि 30 दिसंबर तक ही मोहलत भी अब खत्म होने वाली है। बुलंदशहर से वरुण शर्मा, संभल से रजनीश यादव, लखनऊ से मुजाहिद जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया वॉइस। तो प्रधानमंत्री ने 50 दिन का वक्त मांगा था, 10 से 12 दिन और बाकी बचे हैं, लेकिन स्थिति जो है वो बैंकों के बाहर कमोवेश वैसी ही है जैसी 11-12 नवंबर को देखी जा रही थी। भीड़ जस की तस है, लोग आज भी अपना पैसा निकालने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं और नतीजा ये निकलता है कि बैंक में पैसा खत्म हो गया है या ATM में पैसा खत्म हो गया। रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जनमंच में सीधे चर्चा आपसे करेंगे, आप हमें फोन कॉल करते रहिए। मोदी झूठ बोलता है।